नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पिछले साल पटना में जो जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो तो आपको पता ही है, याद होगा किस तरीके से पटना की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे। पूरे पटना के विशेष क्षेत्रों में, खासकर कंकड़बाग, राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भर गई थी लगभग एक महीने तक। ऐसे में काफ़ी समस्याएँ हुई थी और इसको लेकर एक बार फिर से पप्पू यादव जो हैं कल सम्प हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे। सम्प हाउस देखने पहुंचे कि आखिर इस बार हालात ठीक रहेंगे कि नहीं, क्योंकि पिछले साल सम्प हाउस जो थे वह बंद पड़े थे। ऐसे पप्पू यादव कल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। सरकार भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता पटना। पटना इतना खूबसूरत होगा कि दुनिया देखने आएगी। ये 40 साल 70 साल वाला पटना नहीं होगा, पूरी दुनिया देखने आएगी। सब कुछ तैयार है। सबसे पहले तैयार इस बार यह है कि किसी घर को और किसी बच्चों को ना डूबने दिया जाएगा ना परेशानी होने। पप्पू जी ने अपनी जेसीबी तैयार रखी है। तैयार है, तैयार सब कुछ। तो आपने सुन लिया, पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कहा कि इस बार किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट पर विशेष नजर डालिए। उन्होंने सीधे तौर पर चेता दिया है बिहार सरकार को कि अगर इस बार पटना डूबा तो सरकार की खैर नहीं, मंत्रियों अधिकारियों का पूरा इलाज करेंगे। वैसे पटना वासियों आप परेशान न हो, मैं आपकी सेवा को 24 घंटे तैयार हूँ। तो आपको याद होगा पिछले साल जब जल जमाव हुई थी पटना में तो पप्पू यादव लगातार जल जमाव में जाकर लोगों के बीच में पूरे पानी में घुसकर लोगों की मदद कर रहे थे जो लोग घरों में फंसे हुए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से पप्पू यादव ने सरकार को चेता दिया है कि अगर इस साल जल जमाव होती है तो सरकार मंत्रियों और अधिकारियों की खैर नहीं, सबका वो इलाज कर देंगे। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।